93.1 Red FM, टाइम आ गया कि आपको आपकी मुलाकात करा दें हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ. अदिल भाई, आज आप हैं स्टूडियो में, आज हमारे साथ क्रिस्टी भी हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्वेश्चन टू यू. I mean, you obviously do not speak Hindi or Urdu as your first language, not even a second language. So how was it? How did you manage it? Well, I have sung songs in different languages before. Okay. Definitely never Hindi or Urdu, but it was a lot of fun. I kind of just, how I did it was I just listened to the song over and over again. I listened to Kedana on YouTube, Alamgir's original version. Right. And I just listened to it over and over again, read the lyrics. And then, of course, in the studio, Adil helped and so did Nick Chalia, who produced. Wonderful, wonderful. अच्छा, एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में, मैं पूछना चाहूँगा. इस गाने में ऑब्वियसली जब मैं इस इंटरव्यू के एंड में प्ले करूंगा तो सबको मालूम चल जाएगा किस तरह से गाया गया. हाउ डिड यू गाइस मैनेज इट, कैसे हुआ इस तरीके से हुआ कि वी स्टार्टेड टॉकिंग और आलमगीर साहब ने इस गाने को खुद अपनी आवाज़ में वोकल जो हमें भेज दी. फिर हमने उसको वहां से बिल्ड करना शुरू किया. तो हमारे पास रॉ वोकल्स थी. okay. और क्रिस्टी ने उसके अंदर तबला, जो कि बिल्कुल साउथ एशियन साउंड है, अकूस्टिक गिटार्स और बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल साउंड हो वो उसको यूज़ किया. और फिर जो है उसके बाद आलमगीर साहब जब म्यूज़िक वीडियो हम शूट कर रहे थे तो वो वैंकूवर आए. मैं ये बताता चलूँ इसके साथ साथ कि आलमगीर साहब जो हैं उनकी आजकल तबीयत बहुत नासाज है. अच्छा, अच्छा. उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं. हफ्ते में 3 दफ़ा उनका डायलिसिस होता है. तो बेचारे वो वहाँ से फ्लाई करके आए रात को. सुबह उन्होंने म्यूजिक वीडियो की और अगले दिन वो दोबारा वापस चले गए. तो इतना सा हमारा उनसे मुलाकात सिर्फ एक दिन की हुई, लेकिन जो उन्होंने अफेक्ट हम पे छोड़ा है वो मतलब हमारे लिए तो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है. क्योंकि आप कहाँ एक लेजेंड को जो कि मलकन तरुण नूरजहां और मेहरी हसन साहब के साथ इनको 1977 में निगार अवार्ड दिया गया था और उनसे आपका काम करने का मौका मिले और जितने हम्बल हैं वो, आप तो सोचते हैं अब तो आलमगीर से मिलेंगे. और जब वो आते हैं तो इस तरह करते हैं जैसे आप पता नहीं को कितने सालों से जानते हैं एज अ पर्सन आलमगीर. ये हमारा एक्सपीरियंस. जो ग्रेट लोग होते हैं सर, उनकी एक खास बात होती है जो वाकई महान होते हैं, महान इन लाइक रियल टर्म्स. नाउ आई डू वांट टू टॉक अबाउट द आलमगीर फंड. वेल बेसिकली आई मीन द सॉन्ग इज अ ट्रिब्यूट डेफिनेटली टू आलमगीर एंड मोस्ट ऑफ अस नो ही इज सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड वी वांट टू हेल्प इन एनी वे दैट वी कैन. लाइक आई सेड अर्लियर, ही इज द मोस्ट हंबल मैन एंड ही इज एक्चुअली क्वाइट एन अमेजिंग इंडिविजुअल एज़ वेल. And we just want to help in any way we can. So we've set up a health fund for him. It's at www.alamgirhealthfund.com. And you can go there and donate to through PayPal, and it goes directly to him to help pay for the cost of, you know, maintaining his health. So that's at least the least we can do for everything that he's done for us and for everything he's taught me in the you know, little while that I've known him. So wow, that's amazing. Well, thanks a lot, guys, for coming in and like enlightening us.